नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जोन। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है एंड एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ क्यूज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं एंड इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है वो भी यहाँ पे कुछ हद तक जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे चैनल से आप जुड़े रह सकते हो। एंड दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीए ऑनर्स सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन होते हैं उनकी क्या प्रोसेसिंग रहती है एंड कौन कौन से कोर्स है जिनके अंदर आप जो है सेकंड ईयर के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये जो है दिल्ली के अंदर स्थित है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बीए होनर्स के अंदर जो आपके एडमिशन होते हैं वो कौन कौन से कोर्स में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज ही जो है अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, तो जैसे कि उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो आपका फ्रेंच, जर्मन, अरबिक, रसियन, पर्शियन, चाइनीज़ एंड उर्दू है, हिंदी, इंग्लिश एंड इसके अलावा जापानीज़, कोरियन, स्पेनिश। एंड दोस्तों, इसमें देखिए ये हिंदी एंड इंग्लिश इसका भी इसमें दिया गया है, बट यदि आप फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेते हो तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर बाकी जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज है वही आपके लिए अवेलेबल है, बट सेकंड ईयर के अंदर आप इनमें भी जो है एडमिशन ले सकते हो। वहीं दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो इसके फॉर्म है वो कब रिलीज होते हैं और इसमें एडमिशन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्म है वो आपसे ऑनलाइन ही मांगा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब ऑनलाइन फॉर्म आए तब आप इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई करें। एंड इस साल जो है इसके फॉर्म आएंगे, जैसे कि लास्ट ईयर तो इसके नहीं आए थे, बट इस साल जो फॉर्म आएंगे तो जो आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जैसे कि यूजी, पीजी, पीएचडी, इन सब कोर्सेज़ के लिए, तो उनके साथ में ही आने वाला है। मैंने ऑलरेडी जो है डेट डिक्लेयर का जो वीडियो है वो बना दिया, यानी कि इसकी जो डेट है वो एनटीए ने ऑलरेडी रिलीज़ की थी पहले। तो जो आपके फॉर्म है वो मार्च में आएंगे, तो उसकी जो डेट है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए, जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए तो फिर जैसे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबसे नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे आप जो है अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्या है इसके अंदर। जैसे कि इसमें जो है आपका 70% आपका इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेटेज होता है एंड 30% आपका जो वाइवा होता है उनको मिला के फिर जो है आपका इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, एंड इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली जिस लैंग्वेज से आप अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉर्मल आपको जानकारी होनी चाहिए, इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें भी रिजर्वेशन वही प्रक्रिया है जो मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता रखी है। ओबीसी को कितना होता है, एसटी को, ये एससी को कितना होता है, एसटी को एंड पीडब्ल्यूडी सभी के लिए है। ओबीसी को यहाँ पे 27% जो है रिजर्वेशन होता है, एससी को यहाँ पे 15%, एसटी को यहाँ पे जो है 7.5% जो है रिजर्वेशन होता है। इसके अलावा जो है पीएच वालों को भी जो है यहाँ पे 3% रिजर्वेशन मिलता है। तो दोस्तों, ये थी बीए सेकंड ईयर में एडमिशन लेने की प्रोसेसिंग। आई होप कि दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जो है जाके कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज भी आने वाली है बहुत ही जल्द, और उसका जो वीडियो है वो आपको जल्दी ही चैनल पर मिलेगा। क्या उसकी आगे प्रोसेसिंग रहेगी वो सब कुछ हम उस वीडियो के अंदर क्लियर करके बताएंगे। तो इसके लिए बस आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम यहाँ पे जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।